पुरानी हॉट डॉग के टेस्ट का राज क्या? तो सर हम क्या है, सब चीज़ ताज़ी वापरते हैं और एकदम ब्रांड जो हमको बिल्कुल क्लियर रहता है, नेट एंड क्लीन, जिसके शुद्धता में हमको कोई शंका नहीं होती, जिसको हम क्योंकि खुद वापरते हैं, खुद खाते भी हैं हम। और सबसे ज़्यादा मायना फिर रखता सर घी, जो घी उसको बिल्कुल सजा देता है उसके टेस्ट को, क्योंकि कितने अच्छी चीज़ें भी लगाओ अगर घी का उपयोग, अगर घी सही नहीं है तो सब मेहनत बर्बाद कर देगा। तो हम घी ये वाला वापरते हैं सर, ओइस्टर वालों का है प्यारो शोर, ये घी पे मेरे को 100% विश्वास है। पहले मैं अमूल चलाता था, लेकिन जब से मैंने ये लोकल देखा अपना देवास ज़िले में प्लांट है इनका, और बहुत ही बढ़िया था, मतलब इसकी मतलब तारीफ तो क्या करें, मतलब तारीफ ही खुद ही है ये। खुशबू से ग्राहक पहुंच जाता है, खुशबू के अलावा भी रहते हैं सब, खुशबू तो एसेंस से भी हो सकती है, लेकिन उसको खाने में जो है अलग ही पता चलता है कि ये प्योर घी है ना है। क्योंकि मुझे बहुत साल हो गए साहब, बरसों हो गए, तो मैं भी खाता हूँ और मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ही डालता हूँ, तो मेरे को सब समझ में आ जाता है कि घी में क्या है। और ये घी में जो है एक तो शार्पनेस भी अच्छी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो घी बनता है गाय और भैंस के दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। शुद्धता तो समझ लो सर, अब अपन भी इतने साल हो गए, अपनों को जीवन पूरा हो गया, मेरे को मतलब 53 साल हो गए खाने पीने की लाइन में, मेरा खुद का खोले हुए भी 40 साल हो गए, लेकिन मैं घी के बारे में तो बहुत ज़्यादा ही समझता हूँ, क्योंकि घी में कोई कढ़ाई में पूरा भर नहीं दिया हूँ, थोड़ा थोड़ा डालता हूँ, तो मेरे को सब समझ में आता है। इस पर जो मैं आँख मीच के भी अगर मेरे को बोलो पहचान जाऊँगा कि ये घी वही है।